भिंड में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा 30 फरवरी को होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से एकजुट होकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जाकर सभी को आमंत्रित किया है। भिंड में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जन आक्रोश सभा के माध्यम से आगामी 2023 विधानसभा के चुनाव को लेकर भाजपा को घेरने की तैयारी की जा रही है। इसमें पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा, हेमंत कटारे, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, पिंकी भदौरिया, संदीप मिश्रा, राहुल कुशवाहा, भगवान दास के साथ खिजा कुरेशी के साथ कई पदाधिकारी शामिल होंगे। संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा और कांग्रेस नेता पिंकी भदौरिया ने MGS ग्राउंड में तैयारियों का निरीक्षण किया और जायजा लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, सभा स्थल पर 12 बजे उनका आगमन कार्यक्रम यहाँ होगा और उसके बाद उनका मूल उद्देश्य, आज जिस प्रकार से देश और प्रदेश में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आमजन परेशान है, चारों ओर तराई तराई मची हुई है, आम जन में आक्रोश है। अपन भिंड की स्थितियों पर चर्चा करना चाहें, भिंड शहर दलदल में बना हुआ है, गलियां खुदी हुई पड़ी हुई हैं, किसानों के साथ बाजरे की खरीदारी के लिए सरकार भुगतान नहीं कर पा रही, चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैल नज़र आ रही है। इसी विषय को लेकर आम जन में आक्रोश है और वो आक्रोश जन आक्रोश के रूप में आपको कल इस सभागार में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप युवाओं के रोजगार की बात हो, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की बात हो, चाहे रेप का मामला हो, किसान बदहाल है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है। इस शिवराज सिंह की 10 सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की 10 सरकार के खिलाफ, ये कांग्रेस का कमलनाथ जी का शंखनाद है चंबल की धरा से, और इसका असर पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा।